नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर के बिल्हौर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले मखनपुर कस्बे में सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट पर माहौल गर्म हो गया। आपत्तिजनक तस्वीर के वायरल होते ही लोग सड़क पर उतर आए और देखते ही देखते हालत तनावपूर्ण हो गए। फिलहाल पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कस्बे में संवेदनशील हालत को देखते हुए PSC तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गांव के ही रहने वाले युवक अरफाज आलम ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। यह पोस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली गई है, जिसे गांव का ही एक युवक मुकुल पाल चलाता है। कहा जा रहा है कि रविवार की सुबह 20 वर्षीय अरफाज आलम उर्फ रफत आलम ने इस ग्रुप में एक भड़काऊ पोस्ट डाली है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक शब्दों और तस्वीर का प्रयोग किया गया था। इस पर ग्रुप एडमिन मुकुल पाल ने घटना की जानकारी स्थानीय भाजपा नेता को मामले की सूचना में दी थी। इसके बाद हिंदू संगठनों ने थाने जाकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IT एक्ट की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कस्बे में तनाव को देखते हुए PSC तैनात कर दी गई है। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर के महीने में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के चलते यहां जमकर बवाल हुआ था, जिसे शांत करने को लेकर पुलिस प्रशासन को पसीने भी छूट गए थे। उधर आरोपी का कहना है कि उसका मोबाइल काफी लंबे समय से टूटा हुआ है, उसकी ID किसी ने हैक कर ये पोस्ट की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।